जिन्होंने पूर्ण गुरु को प्राप्त किया, जिन्होंने पूर्ण गुरु की खोज की, पूर्ण गुरु के पास पहुँचे, पूर्ण गुरु के शरण में गए, गुरु शरीर नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए, गुरु कोई शरीर नहीं है। इस कारण से गुरु को गुरु भगवान बोला जाता है, क्योंकि गुरु का रूप धारण करके वो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान होता है। कोई ये गुरु शरीरधारी गुरु नहीं होता कि आप शरीर का कुछ करोगे तो, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल, वो अलग खेल है बिल्कुल। वो नूरी शरीर है, वो तेज है जो आपके हृदय में प्रकट होगा, जिससे शब्द आएगा, क्योंकि जिसको शब्द प्राप्त नहीं है वो गुरु नहीं है। शब्द का अर्थ समझो कि जिन्हें रोम रोम में उस परमात्मा का, कण कण में उस परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, जिन्होंने अपना वजूद मिटा नहीं दिया, जिन्होंने अपने को खो नहीं दिया। जैसे कोई भी आभूषण खो देने से, जितने भी स्वर्ण के आभूषण हैं इनको हम पिघला दें, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, वो सोना हो जाएगा। फिर कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मेरी पायल है, ये मेरे हार हैं, ये मेरी चैन है, ये अंगूठी है, कोई नहीं बोलेगा, वो बोलेंगे स्वर्ण है, सोना है, यही बोलेंगे। तो जब ये शरीर मिट जाएगा तो क्या बचेगा, वो आत्मा बचेगी, जो वहां तक जाएगी, जो आप जिसको सब कुछ चढ़ाई से लेकर के ज्ञान तक, आज तक वो हर कर्म की साक्षी है, प्रत्येक कर्म उसके बिना नहीं किया, तो वो हर कर्म में आपके साथ ही। जब ये जीव भाव टूटेगा आपको पता चलेगा कि आप ब्रह्म हो, आप वही तत्व हो, आप परमात्मा हो, आप वही शक्ति हो जिसको खोज रहे, आप कर्म से ऊपर उठने लगोगे। अभी क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हो, जो शराबी लोग हैं बैठते ही शराब याद आने लगेगी, जो जवारी लोग हैं उन्हें जुए की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो ये ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल हो गई जी, क्या हुआ कि टाइम ही नहीं लगा पा रहे ध्यान के ऊपर। वो पहले बड़ी अच्छी साधना करते थे कई कई घंटों तक। मैं कहा ऐसा क्या हुआ, कहाँ परेशानी है, काम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। कि जी अभी नया नया ट्रेडिंग का काम शुरू किया है, हाथ में फोन रहता है, दिन में भी रात में भी 24 घंटे ट्रेडिंग चलती है, बैठता हूँ तभी बैठे बैठे लगता कहीं सौदा ऊपर नीचे ना हो गया हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि ये ऊपर नीचे जो सौदा बैठ के देखते हैं आप लोग, इसको वहीं रख दिया करो जब ध्यान के ऊपर बैठो। ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, ये किसी एक व्यक्ति की घटना नहीं है,
ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये किसी एक आदमी का विचार नहीं है, ये विचार आप सब लोगों के हैं। तो जब बैठते वही चीज़ें घूमती दिमाग के अंदर, चाहे जितनी देर भी बैठे रहे, ना ध्यान लगेगा, ना भजन में मन लगेगा, रटन चलती रहेगी, रटन चलती रहेगी, तोता रटन होती रहेगी। तेज भी बोलेंगे कि मन रुक जाए, विचार खत्म हो जाए, लेकिन ना मन रुकेगा ना विचार खत्म होंगे। इसी प्रकार से जो काम करने वाले लोग हैं, जिसका जो भी काम है, राजनीतिक लोग जब बैठेंगे उन्हें यही दिखाई देगा। मुझे मेरे साथ बहुत राजनीतिक लोगों की बात हुई, मिलते हैं, मैं बोलता हूँ ध्यान लगाया करो, वो बोलते हैं कि जी ध्यान में जब बैठते हैं ना, यही ध्यान होता है कि अब की बार टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। जो अर्थशास्त्री होते हैं वो बोलते हैं कि बैठते ही ये ध्यान रहता है, पैसे कैसे एडजस्टमेंट हो, कैसे बिजनेस और बढ़े, कैसे पैसे आए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये ध्यान रहेगा, बैठेंगे तब आज उस टीचर का काम नहीं हुआ, आज उसका काम बकाया है, आज ये बाकी है। महिलाएं बहुत जो कान्हा जी की सेवा करती हैं, वो बैठेंगी तब भी उनके दिमाग में यही रहेगा, आज तो भोजन नहीं कराया कान्हा जी को, आज तो अब की बार वृंदावन जाएंगे उनके वस्त्र लेकर के आएंगे। अरे आप जब ध्यान के साथ हो तो बस समय के साथ हो, खुद के साथ हो, किसी दूसरे के साथ ना हो। कोई भी विचार हो, किसी भी प्रकार का विचार हो, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, तीन प्रकार के विचार होते हैं, वो रहे तो विचार ही गा, आपके रास्ते में वो अड़चन पैदा करेगा जी, और वो रुकावट बन करके खड़ा हो जाएगा, फिर वो चीज़ें रूप ले ले करके सामने आने लगेंगी, फिर वो चीज़ें स्वप्न में दिखाई देने लगेंगी, फिर आप उन्हीं चीज़ों से दूर भागोगे, डरोगे, जितना दूर भागोगे डरोगे वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपको परेशान करेंगी। हालात ये होंगे, ना ध्यान लगेगा, ना काम में मन होगा, ना संसार में मन होगा, ना जीवन में मन होगा, ना शरीर में मन होगा। तो इन विषयों से थोड़ा सा हट करके जब हम ध्यान लगाएंगे, मन एकाग्र होगा, ध्यान लगने लगेगा, गुरु के साथ मुलाकातें होने लगेंगी, क्योंकि गुरु के बिना आपका वहाँ का साथी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आपके जब शरीर छूटेगा चारों तरफ बैठ के लोग खड़े होंगे लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब आत्मा निकल करके जाएगी, सूक्ष्म शरीर जाएगा, साथी केवल गुरु होंगे। गुरु कौन से? जिनका आपने भजन किया है, जो आपके हृदय में विराजमान है, जिनका आपने स्मरण किया है, जो आपके हृदय में प्रकट हुए हैं, वो गुरु आपके साथ होंगे, आपका हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, आपको अपने चरणों पर उठा करके ले जाएंगे, पैर पकड़ाएंगे, ऊपर उठा ले जाएंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। जब आपको ये पता चल जाए भजन के योग्य कौन है, तब भजन शुरू हो जाएगा।